नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एआर नर्सिंग क्लासेस में। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने आए हैं वो टॉपिक है आपके सब्जेक्ट साइकोलॉजी का, अटेंशन। अटेंशन वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, रेगुलर यूज में लेते भी हम लोग कि सब अटेंशन कीजिए, ध्यान कीजिए, या अटेंशन रहिए क्लास के अंदर, अटेंटिव रहिए। टीचर आपको कहते भी हैं कि साहब अटेंटिव रहिए क्लास की और, क्लास की ओर ध्यान दीजिए। आज वही बात करने आएंगे कि साहब अटेंशन अगर आपसे एग्जाम में पूछे क्या होता है, तो आप लिखनी पड़ेगी आपको डेफिनेशन। तो इसी के बारे में बात करेंगे, अटेंशन क्या होता है। साथ में देखेंगे हम कि साहब अटेंशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं टॉपिक अटेंशन। अटेंशन वर्ड की अगर मैं बात करूं हिंदी के अंदर, तो इसका मतलब है ध्यान। सिंपल सा टर्म है ध्यान। देखिए लिखा हुआ है इसके इंट्रोडक्शन में, अटेंशन इज द फोकस। एक एक वर्ड पे फोकस करिए, एक एक वर्ड की आपको हिंदी बताऊंगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, एग्जाम के टाइम पर आपको रटना ना पड़े, हिंदी समझ के अपने मन से भी आप लोग क्या कर सके, डेफिनेशन को लिख सके। तो फोकस करिए, अटेंशन इज द फोकस। फोकस का मतलब होता है केंद्र। ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब है जागृत अवस्था के अंदर। ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशिष्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज। और आइडिया, आइडिया का मतलब है विचार। एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी किसी विशेष विशिष्ट टाइम पर। टू द एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मतलब होता है बाहर निकालना। ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज। अब जब हम इसको एक साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा कि साहब मतलब क्या है। देखिए, अटेंशन इज द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस। अटेंशन का मतलब क्या है, जागृत अवस्था में किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर, केंद्र पर फोकस करना। कब फोकस करना, एट ए पर्टिकुलर टाइम, उस विशिष्ट टाइम के लिए विशिष्ट वस्तु पर, विशिष्ट चीज पर आप फोकस करते हैं और बाकी चीजों को आप बाहर निकाल देते हैं, यही क्या कहलाता है आपका अटेंशन। जैसे क्लास हमने स्टार्ट करी, मैं कह रहा हूं कि साहब बी अटेंटिव इन क्लास, इसका मतलब क्लास पर ध्यान लगाइए। कहने का मतलब है क्लास पर ध्यान लगाइए, बाकी चीजों को भूल जाइए कि साहब बाहर क्या चल रहा है, फ्रेंड्स कहाँ घूमने गए हैं, पार्टी कहाँ करनी है, इन चीजों को आपने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया। पर्टिकुलर टाइम, मान लीजिए क्लास हमारी चलेगी 30 मिनट्स के अप्रोक्स, 30 मिनट तक पर्टिकुलर टाइम, क्या लिखते हैं यहाँ पे 30 मिनट, ये लो साहब, पर्टिकुलर टाइम पे फोकस करना है किस पर, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लें यहाँ पे, इस बोर्ड के ऊपर। पर्टिकुलर विशिष्ट टाइम के लिए विशिष्ट ऑब्जेक्ट पर जागृत अवस्था में केंद्र, अपने ध्यान को केंद्रित करना है, यही क्या कहला रहा है आपका अटेंशन। ये तो हो गई बात किसकी, इंट्रोडक्शन की। बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन पे फोकस करिए, अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनादर। इसका मतलब वही है, कंसंट्रेशन का मतलब है एकाग्रता, अपनी एकाग्रता को बनाए रखें। किस पर बनाए रखें साहब, अपॉन वन ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट पर बनाए रखें। रेदर, रेदर का मतलब है किसको छोड़कर, अपॉन अनादर, दूसरी चीजों को छोड़कर केवल एक ही चीज पर अपने ध्यान को बनाए रखें, वही क्या कहला रहा है आपका अटेंशन कहला रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि सब अटेंशन और कंसंट्रेशन दोनों का ही मतलब सेम सेम सा लगता है, सर समझ में नहीं आता कब अटेंशन बोलें कब कंसंट्रेशन कहें। ध्यान दीजिए, अटेंशन है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, इसी अटेंशन को आप लंबे समय तक मेंटेन रखते हैं, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ये दोनों में बेसिक फर्क है, याद रख लीजिए। सिंपल सा मतलब है, हिंदी में बता देता हूं आपको एक बार, इसका मतलब है कि आप पर्टिकुलर एक चीज पर, एक वस्तु पर, एक विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करना, बाकी चीजों को दिमाग से बाहर निकाल देना, यही क्या कहला रहा है आपका अटेंशन। तो अभी तक हमने बात करी अटेंशन क्या होता है, आपको बताया गया कि साहब इंट्रोडक्शन क्या है अटेंशन का, साथ ही साथ हमने देखा कि साहब डेफिनेशन क्या होती है अटेंशन की। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ अटेंशन। देखिए मेनली दो प्रकार के आपके अटेंशन है, दो प्रकार का ध्यान आप लगाते हैं। एक है आपका वॉलेंट्री अटेंशन, सेकेंड हम पढ़ेंगे इनवॉलेंट्री अटेंशन। पहले फोकस करते हैं वॉलेंट्री अटेंशन पे। वॉलेंट्री का मतलब क्या है साहब, स्वैच्छिक, जिसमें आपकी इच्छा हो। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए बैठा हुआ है,
हो सकता है एग्जाम में वॉलेंट्री अटेंशन आपसे ना पूछ के सीधा सीधा किस नाम से पूछ ले, वॉलिशनल अटेंशन। जब हिंदी पढ़ने जाओगे तो वॉलेंट्री की हिंदी मिलेगी आपको स्वैच्छिक, और जब वॉलिशनल की हिंदी पढ़ने जाएंगे तो मिलेगी इच्छा शक्ति। दोनों का मतलब जब निकलेगा तो सेम है, यानी इस प्रकार का ध्यान, ऐसा अटेंशन जहां पर आप लोग क्या करा रहे हैं, अपनी इच्छा से ध्यान को केंद्रित कर रहे हो, जहां आपकी इच्छा है वहां आप अटेंशन को मेंटेन कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड वॉलेंट्री अटेंशन या फिर वॉलिशनल अटेंशन। देखिए डेफिनेशन, वॉलेंट्री अटेंशन डिमांड्स, यानी स्वैच्छिक ध्यान की मांग है। क्या मांग है? कॉन्शियस एफर्ट चाहिए खुद के ऊपर, कॉन्शियस एफर्ट चाहिए उसको, जैसे सॉल्विंग एंड असाइंड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, कि जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की दी गई मैथ्स की, तो उसमें आपको अपना पूरा ध्यान वहीं पर फोकस करना पड़ेगा। ये कौन सा अटेंशन है? वॉलेंट्री अटेंशन है, स्वैच्छिक। आप चाहते हैं मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसलिए पूरा फोकस आपने पूरा ध्यान कहाँ लगा दिया? उस मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम पर लगा दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और वाइवा के लिए बुलाया जाएगा आपको, तो उस रूम के अंदर जब एग्जामिनर सवाल पुटअप करेगा आपके सामने, तब भी आप चाहेंगे कि आप उसके क्वेश्चंस का सही सही आंसर दें। आप चाहते हैं, कॉन्शियस एफर्ट लगा रहे हैं किसके ऊपर? जो क्वेश्चंस आपके ऊपर एग्जामिनर पुट कर रहा है उनके ठीक ठीक आंसर देने के लिए। तो वो कौन सा प्रकार का अटेंशन हो गया आपका? वॉलेंट्री अटेंशन या फिर वॉलिशनल अटेंशन। अब देखिए आगे, इस वॉलेंट्री अटेंशन को या वॉलिशनल अटेंशन को भी दो भागों में बांट दिया। एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। पहले सुन लीजिए इम्प्लिसिट के बारे में। इम्प्लिसिट के आगे लिखा हुआ है, रिक्वायर सिंगल एक्ट ऑफ विल, आपकी इच्छा के ऊपर एक बार ही आपको जोर लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, आपको नर्सिंग का असाइनमेंट दिया गया या काम दिया गया करने के लिए, और कहा गया कि अगर आपने पूरा नहीं किया विद इन टाइम तो आपको 15 डेज के लिए रेस्टिगेट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही आप घर पे पहुंचे, काम करने का मन नहीं था, लेकिन ध्यान में आया कि अभी एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 दिन के लिए कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे। जैसे ही 15 दिन आपके एक बार ध्यान में आया, आपने पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब ये कैसा अटेंशन हो गया है आपका? इम्प्लिसिट अटेंशन, रिक्वायर सिंगल एक्ट ऑफ विल। बात करते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट के आगे लिखा हुआ है, रिक्वायर रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल। जैसे यहां पर केवल एक बार जो आपके इच्छा के ऊपर जो काम आपने लगाया वही काफी है ध्यान को केंद्रित करने के लिए, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। एक्सप्लिसिट को मेंटेन करने के लिए आपको बार बार अपनी इच्छा को ध्यान पर लगाना पड़ेगा। छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि आपके एग्जाम आने वाले होंगे, उससे एक महीना पहले 15-20 दिन पहले आपको कॉलेज से छुट्टी मिल जाएगी। अब एक महीने का गैप है पढ़ने के लिए, आप पढ़ने बैठते हैं जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दोस्त का फोन आ गया, बाहर जाना है, पार्टीज में घूमना है, पार्टीज वगैरह करनी है, फिर आपको ख्याल आता है कि नहीं पढ़ना है, फेल हो जाएंगे। एक बार वो पढ़ने बैठ गए, कुछ देर पढ़ाई करी, लेकिन वापस से मन में क्या आया कि बाहर चले आते हैं, कुछ देर घूम आते हैं, तो एक महीने का टाइम पीरियड है पढ़ने का। घूमने चले गए, थोड़ी बहुत देर घूमा, फिर आपके माइंड में ये फिर आपकी इच्छा जागृत हुई कि नहीं यार पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। इसका मतलब बार बार आपकी इच्छा पर काम करना पड़ रहा है आपको ध्यान को केंद्रित करने के लिए। ये कौन सा अटेंशन कहलाएगा? एक्सप्लिसिट वॉलिशनल अटेंशन। इसका मतलब जहां पर एक बार केवल सिंगल एक्ट रिक्वायरमेंट है आपकी इच्छा का, वो है इम्प्लिसिट वॉलिशनल अटेंशन। जहां पर ज्यादा, एक से ज्यादा रिपीटेड एक्ट रिक्वायरमेंट है आपके विल के, वो कौन सा है? एक्सप्लिसिट वॉलिशनल अटेंशन। आई होप आपको समझ में आए होंगे दोनों प्रकार के अटेंशन, दोनों किसके सब टाइप है साहब? वॉलेंट्री अटेंशन। वॉलेंट्री अटेंशन क्या है साहब? वॉलेंट्री अटेंशन वो है जो आपके कॉन्शियस एफर्ट लगा के स्वइच्छा से आप लोग एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो, वो क्या कहला रहा है आपका? वॉलेंट्री अटेंशन। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अटेंशन। एक हमने पढ़ लिया है वॉलेंट्री अटेंशन, उसका मतलब था कि सब हमारी जैसी इच्छा है, स्वैच्छिक इच्छा के कारण हम जहां पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अटेंशन बना रहे हैं, वही क्या कहला रहा था आपका? वॉलेंट्री या फिर वॉलिशनल अटेंशन। सेकेंड बात करें हम इनवॉलेंट्री अटेंशन। वॉलेंट्री का मतलब था
अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा है। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब है अब आपको ध्यान लगाने के लिए अपनी वॉलेंट्री एक्शन नहीं करना पड़ेगा, कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान अपने आप चला जाएगा, वही क्या कहलाएंगे आपके इनवॉलेंट्री अटेंशन। देखिए, दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज अराउज्ड, विदाउट लिखा हुआ है, विद नहीं लिखा हुआ है, इसके बिना, किसके बिना, अटेंशन अराउज विदाउट द प्ले ऑफ विल, बिना इच्छा को जागृत किए ही आपका ध्यान चला गया है। कौन सा अटेंशन है? इनवॉलेंट्री अटेंशन। दिस टाइप ऑफ अटेंशन इज अराउज्ड विदाउट द प्ले ऑफ विल और विदाउट मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट। आपको अलग से प्रयास नहीं करने पड़ रहे हैं कि चीज पर फोकस करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, वी गिव इनवॉलेंट्री अटेंशन टू द लाउड साउंड्स। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, अचानक से बाहर कोई बड़ी गाड़ी निकलती है, जैसे कि बड़ा ट्रक या बस, जैसे ही उनका हॉर्न बजता है, ना चाहते हुए भी आपका ध्यान कहाँ चला गया? उस हॉर्न की तरफ, लाउड साउंड्स, तेज आवाज की तरफ आपका ध्यान चला गया। कौन सा अटेंशन है? इनवॉलेंट्री अटेंशन। ब्राइट लाइट, नॉर्मल लाइट में आप बैठे हुए, अचानक से कहीं से तेज रोशनी आती है, ना चाहते हुए भी आपका ध्यान उधर डाइवर्ट हो जाता है, ध्यान डाइवर्ट हो गया, अटेंशन जहां था वहां से हट गया, कौन सा अटेंशन कहलाएगा? इनवॉलेंट्री अटेंशन। या फिर लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑडर्स, इसका मतलब है तेज गंध। नॉर्मल अगर कहीं से खुशबू आ रही है तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जब बहुत तेज वहां से स्मेल आने लगती है तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली चला जाता है कि साहब ये खुशबू जो आ रही है, जो स्मेल आ रही है, वो कहां से आ रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं आपके लिए? इनवॉलेंट्री अटेंशन, जहां पर आपने कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लगाए, प्रयास नहीं किए ध्यान देने के लिए, वहां पर आपका ध्यान चला गया, वो कौन सा अटेंशन कहला रहा है? इनवॉलेंट्री अटेंशन। अब जैसे वॉलेंट्री अटेंशन दो भागों में बटा हुआ था, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में, सेम वैसे ही आपका इनवॉलेंट्री अटेंशन भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए, एनफोर्स्ड और स्पॉन्टेनियस। एनफोर्स्ड के आगे लिखा हुआ है साहब, इस प्रकार का अटेंशन जो किस पे डिपेंड है? आपके इंस्टिंक्ट पर। इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है? स्वाभाविक प्रवृत्ति। जैसी आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसके अकॉर्डिंग बिना एफर्ट लगाए आपका ध्यान चला जाए, कौन सा कहलाएगा? एनफोर्स्ड इनवॉलेंट्री अटेंशन। सेकंड देखिए, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट्स का मतलब होती है भावनाएं। मान लीजिए कि साहब आपका खेल में इंटरेस्ट है, आपकी भावना जुड़ी हुई है खेल के साथ में। अब जब कभी भी कहीं पर भी खेल की बात होगी, ना चाहते हुए भी आपको खेल की बातें अच्छी तरह समझ में आएगी, सुनाई देगी। आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, आप दोस्त से बात कर रहे हैं, दोस्त से बात करते वक्त पड़ोस में कोई ग्रुप है, वो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, आपका ध्यान होना कहाँ चाहिए था? दोस्त की बातों में। लेकिन जैसे ही आपकी भावनाओं वाली जो मैटर था, जहां से स्टार्ट हुआ, वैसे ही आपका ध्यान कहाँ चला गया? उस ग्रुप की बातों में चला गया। तो कौन सा अटेंशन कहलाया? ये स्पॉन्टेनियस, जो कि कैसा है? इनवॉलेंट्री अटेंशन। तो दो प्रकार हमने देख लिए, एनफोर्स्ड और स्पॉन्टेनियस। यहां तक हमने बात करी है अभी तक आपके अटेंशन की डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ हमने देखा कि साहब कौन कौन से टाइप्स हैं अटेंशन के, और फिर हमने देखे उन टाइप्स के भी कौन कौन से सब टाइप्स हैं। तो यहाँ तक आज बात करेंगे हम अटेंशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, हमें बताएं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और बाकी जो भी क्लासेस आप पढ़ना चाहते हैं हमसे, उनको भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, ताकि हम हमारे अगले वीडियोज़ उन्हीं क्लासेस पर अपलोड कर सकें। ओके, थैंक यू।